हमारे देश में कोई भी सरकार वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए काम करती है, किसी भी दल की सरकार, किसी भी गठबंधन की सरकार, ये कार्य निरंतर चलता रहता है। कानून बनाते समय संसद में काफी बहस होती है, संसद के बाहर भी बहुत चर्चा होती है, चिंतन मनन होता है, उसकी आवश्यकता, उसके प्रभाव को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है वो पूरे देश के लोगों का भला करता है, लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो कानून देश के एक हिस्से में लागू ही ना हो। यहां तक कि पहले की जो सरकारें एक कानून बनाकर वाहवाही लूटती थी, वो भी ये दावा नहीं कर पाती थी कि उनका बनाया कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था उसके लाभ से जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग वंचित रह जाते थे। सोचिए, देश के अन्य राज्यों में बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चे इससे वंचित थे। क्या गुनाह है उन बच्चों का? देश के अन्य राज्यों में बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं वो सारे हक जम्मू कश्मीर की बेटियों को नहीं मिलते थे। देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे, उनको यह हक नहीं दिया गया था। देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षण के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। देश के अन्य राज्यों में मजदूरों के लिए, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में काम करने वाले श्रमिकों को ये सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही लटका हुआ मिलता था। देश के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ते समय एससी एसटी अनुसूचित जनजाति के भाइयों बहनों को आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। साथियों, अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को
जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है, उन सबको दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर की सुविधाएं मिले। अभी केंद्र शासित प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तीय सुविधाएं जैसे एलटीसी, हाउस रेंट अलाउंस, बच्चों की शिक्षा के लिए एजुकेशन अलाउंस, हेल्थ स्कीम जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं, जिनमें से अधिकांश जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिस परिवारों को नहीं मिलती है। ऐसी सुविधाओं का तत्काल रिव्यू कराकर जल्द ही जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिसों को, उनके परिवारजनों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। साथियों, बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे, साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए रैलियों का आयोजन किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना का भी विस्तार किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। जम्मू कश्मीर में राजस्व घाटा भी बहुत ज्यादा है, एक प्रकार से राजस्व घाटा बड़ी चिंता का विषय होता है। केंद्र सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि इसके प्रभाव को कम किया जाए।